छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 4 दिनों तक उन विधानसभाओं का दौरा करेंगे जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस जिन सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में हारी थी उन सभी विधानसभा क्षेत्रों का पुनिया दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से सुझाव लेंगे। एक तरह से वह पार्टी के सभी क्षेत्रों में नब्ज टटोलेंगे। प्रभारी पुनिया स्वयं बिलासपुर जाकर 18 सितंबर से 21 सितंबर तक इन विधानसभाओं का विजिट करेंगे। 2018 के चुनाव में बिलासपुर जिले की मस्तूरी, कोटा, बिल्हा, बेलतरा विधानसभाओं में कांग्रेस को हार मिली थी। इस दौरे का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में इन विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत का परचम लहराना है। प्रदेश कांग्रेस को 2018 के चुनाव में 72 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अविभाजित बिलासपुर जिले की 19 में से 9 सीटों में पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी। इस हार का कारण जानने और इसे दूर करने के दौरे का मुख्य मकसद रहेगा। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात भी करेंगे। उसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। बता दें, कांग्रेस को भले ही 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी और सरकार भी बनी थी, लेकिन अविभाजित बिलासपुर जिले की 19 में से 9 सीटों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसमें बिलासपुर जिले की 6 में से 4 सीटें पार्टी ने गंवा दी थी। कोटा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की रेणु जोगी जीती थी, जबकि बाकी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। बता दें, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बलौदा बाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर, बिलासपुर जिले का संयुक्त दौरा करेंगे। इस बीच गिरौदपुरी धाम, शिवरी नारायण धाम भी दर्शन करने जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी पुनिया 28 सितंबर को राजीव भवन में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें संगठन की गतिविधियों पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी तक की नज़र इन सीटों पर है। यही वजह है कि चुनाव के 1.25 साल पहले ही इसे लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में फीडबैक और दौरा कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस इन विधानसभाओं में पार्टी की थाह लेने में जुट गई है। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पुनिया जी 4.25 साल से छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के साथ ही देश में कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। पुनिया जी पहले अपने घर को ठीक कर लें। कांग्रेस में पुनिया या किसी बड़े कांग्रेसी नेता का जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं है, वे सभी प्रभावहीन हो गए हैं। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत और संघ की आइडियोलॉजी को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को आरएसएस को समझने के लिए हाफ पैंट पहनकर शाखा जाना पड़ेगा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी अनुशासित संगठन है। यह भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।